वृश्चिक राशि वालों नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों, भगवान सूर्य देव जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप सभी को ढेर सारी खुशियां देना, अपार धन संपदा देना, ताकि किसी को कभी कोई चीज की कमी महसूस ना हो। वृश्चिक राशि वालों, आज दोपहर 2:30 बजे के बाद भगवान आपको वो चीज देने वाले हैं जो आप 7 जन्मों तक याद रखोगे। जी हाँ, वृश्चिक राशि वालों, भगवान आपको छप्पड़ फाड़ के धन दौलत देने वाले हैं, लेकिन वृश्चिक राशि वालों, उसे लेने के लिए आपको आना चाहिए, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों, भगवान का दिया हुआ चीज हर कोई प्राप्त नहीं कर पाता है। जी हाँ, मुझे पता है आप अपने जीवन काल में बहुत परेशान हो चुके हैं, आपकी पैसों की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन दोस्तों अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ईश्वर आपके जीवन काल से सारे अंधेरे को दूर भगाने वाले हैं और आपके जीवन काल में केवल और केवल उजाले होने वाले हैं। दोस्तों एक कहावत है कि पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते हैं, ठीक उसी प्रकार इंसान के जीवन में कष्ट, दुख, दर्द, परेशानी आए बिना सुख नहीं आती है। जी हाँ दोस्तों, जीवन में जब दुख दर्द हद से ज्यादा आने लगे तो समझ लेना कि आपकी परीक्षा की घड़ी चल रही है, आपको इस घड़ी में कुछ नहीं करना है, बिल्कुल मौन रहना है, मौन होकर बस देखना है कि जिंदगी भी आखिर चल क्या रहा है, हमारे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि परमात्मा के खेल जब शुरू होता है तो उनके आगे किसी की भी नहीं चलती है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आज की यह वीडियो आप सभी जातक एवं जातिकाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इन्हें आप थोड़ा सा भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक देखें। दोस्तों इस बात की गारंटी हम लेते हैं कि आपकी समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं होगी, और इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, लेकिन दोस्तों आपको इस वीडियो में बताई गई बातों को पालन करना होगा, अच्छे से सुनना होगा, अच्छे से समझना होगा, तभी आप इसका अच्छे से लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, लेकिन उससे पहले माता रानी के जो भी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार सच्चे मन से जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी लिखेगा, उन्हें माता रानी का तुरंत आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनके बिगड़े से भी बिगड़े काम फिर से बनने लगेंगे। तो आइए इसी के साथ बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आपके राशिफल से। वृश्चिक, आज दोपहर 2:30 बजे से भगवान आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। इसके उपरांत आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकातें होगी जो कि आपके लिए फायदेमंद होंगी। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए तो हमने कहा है कि आज दोपहर 2:30 बजे से भगवान आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। किसी ऐसे आदमी से, किसी ऐसे शख्स से मुलाकात होगी जो कि दोस्तों आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा देगी। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी एनर्जी फालतू के कामों में ना लगाएं। घर परिवार में कोई ऐसी बात हो सकती है जिसमें परिवार से खरी खोटी सुनने को मिल सकती है, लेकिन दोस्तों ऐसे सिचुएशन में आपको छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जानी है, नहीं तो दोस्तों अगर आप उसमें लटक गए, अटक गए, तो फिर परेशानी आपके लिए बढ़ सकती है। आप जितना हो सके घर परिवार में छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ेंगे तो ही आप अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। बिजनेस कर रहे किसी पर भी भरोसा ना करें, अन्यथा धोखा मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों बिजनेस एक ऐसा काम है जो कि अपने से ही दुश्मनी हो जाता है, इसलिए दोस्तों आंख मूंद कर भरोसा किसी पर भी नहीं करना है, नहीं तो परेशानी आपके लिए बढ़ सकती है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, देखिए दोस्तों
आज का जो दिन है विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, बेहतर रहने वाला है। अगर कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो उनका वो समस्या दूर हो जाएंगी। और सबसे अच्छी खबर यह है कि रोजगार की तलाश में भटक रहे इधर उधर लोगों को कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने दोस्तों व परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में समय व्यतीत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, नौकरी कर रहे लोगों को कोई नई नौकरी का ऑफर आ सकता है, लेकिन दोस्तों आपको अभी पुराने में ही टिके रहना बेहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने मन में नकारात्मक विचारों को ना रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। जितना हो सके पॉजिटिव सोचने का प्रयास करें और हमेशा फ्यूचर की सोचने का प्रयास करें। जी हाँ, जो हो गया उसे बीतने का जो है भुलाने का प्रयास करें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे जीवन में जो भी होते हैं वो सब ईश्वर के मर्जी से ही होते हैं। ईश्वर जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं और हमारे भलाई के लिए ही करते हैं। जी हाँ, यही सोचकर आपको आगे बढ़ जाना है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए बाकी के दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप रुपये पैसे का लेन देन बहुत ही सोच समझ कर करें, नहीं तो आपके लिए परेशानी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज आप किसी से उधार लेने से बचें, नहीं तो समस्या आपकी बढ़ सकती है। और इतना ध्यान रखना है, किसी को भी आज उधार भी नहीं देना है। जी हाँ, परिवार में यदि किसी सदस्य के विवाह में कोई बाधा, कोई अड़चने आ रही थी तो वह दूर होंगी। इसके उपरांत राजनीतिक में कार्यरत लोग आज किसी बड़े नेता से मिल सकती हैं और किसी बड़े पद की प्राप्ति कर सकती हैं, जो कि पूरा परिवार आपका खुश रहेगा और आप भी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न नजर आएंगे। आपको आज किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आज थोड़ा बढ़ सकता है। बिजनेस कर रहे लोगों को अपनी डील बहुत ही सावधानी से फाइनल करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, कार्य क्षेत्र में आपको किसी व्यक्ति के कहने में आकर गलत बात के लिए हाँ करने से बचना होगा। कोई भी जवाब देने से पहले आपको दोबारा तिबोरा जरूर सोच लेना है, ये आपके लिए ही बेहतर होंगे। इसके उपरांत आप अपने जीवन साथी के लिए कोई उपहार लेकर आ सकती हैं, जिसमें आप दोनों के बीच चल रही अनबन भी समाप्त होगी। और आपको आज अपनी जिम्मेदारियों से घबराना नहीं है, बल्कि उनका डटकर सामना करना है। जी हाँ दोस्तों, समस्या कैसी भी हो उनका समाधान जरूर मिलता है। अगर आप ठंडे दिल से समस्या का समाधान ढूंढेंगे तो आपको समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिनका कोई दवा ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिनका कोई समाधान ना हो। आप ढूंढेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों गीता में साफ शब्दों में लिखा गया है कि जिस समय समस्या जन्म लेती है उसी समय समाधान भी जन्म लेता है, लेकिन इंसान को जरूरत होती है बस सही समय पर सही चीज उपयोग करने की। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आप अपने मन की बातों को किसी से शेयर ना करें। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में क्या चल रही है, कौन से कार्य आप करने वाले हैं, एक दूसरे को शेयर करने से बचिएगा, आपके साथ धोखा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने पार्टनर के साथ किसी बात पर ना उलझें, उनकी बातों को समझने की कोशिश करें। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक उत्सव में सम्मिलित हो सकती हैं, जहां आपकी कुछ रसूखदार लोगों से मुलाकातें होगी और काफी आपको जो है प्रसन्नता महसूस होगी। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर समय आपके लिए मौज मस्ती से भरा रहने वाला है। गृहस्थ जीवन जी रहे लोग अपने साथी के साथ कहीं घूमने फिरने की योजना बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप किसी मित्र के कहने में आकर किसी बड़े निवेश संबंधित योजना में हाथ न डालें, नहीं तो समस्या हो सकती है। लंबे समय से यदि आपकी कोई अच्छी पुरानी नहीं
इच्छा पूरी नहीं हो रही थी तो वो इच्छा भी अब आपकी पूरी होने वाली है। जी हाँ, आप घर परिवार में भजन कीर्तन पूजा आरती का जो भी है आयोजन करा सकती हैं, जिससे आपके घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी और आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा पड़ चुकी है और आपके कुंडली में माँ लक्ष्मी जी ऐसा ऐसा चमत्कार करने वाले हैं जिन्हें अगर आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे हे प्रभु हे भगवान आपकी लीला अपरंपार है। जी हाँ, जिस चीज की आपको चाहत थी वो चीज अब आपके जीवन में आने वाले हैं। लेकिन आज आप किसी को भी नाराज नहीं करना। ध्यान रहे कि आज आपके घर में कोई मेहमान आता है या फिर अगर आपके घर में कोई भिखारी के रूप में भिक्षा मांगने आता है तो आप उसे भूल कर भी नाराज मत करना, क्योंकि दोस्तों भिखारियों का सीधा संबंध मां लक्ष्मी से होता है। जी हाँ, आप उन्हें जरूर कुछ न कुछ दान पुण्य दें। अगर आपके घर में कुछ भी नहीं है तो आप उन्हें पानी पिलाकर इज्जत से बात करके अपने घर से भेज दें तो इससे माँ लक्ष्मी जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी और आपका पूरा घर धन दौलत से भर देंगी। जी हाँ, इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, देखिए दोस्तों माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। लेकिन ध्यान रहे, आज आपको किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले अपने घर के वरिष्ठ सदस्यों से सलाह लेनी है, बातचीत करनी होगी तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। और जो लोग सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करते हैं उन्हें कोई बड़ा पद मिल सकता है और जो लोग विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहती हैं या विदेश में रहकर कोई कार्य करना चाहती हैं बिजनेस व्यापार, तो उनकी वो इच्छा पूरी हो सकती है क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बन रही है। जी हाँ, इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, व्यापार में मन मुताबिक लाभ मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे, जिसके कारण आप संतान को भी कुछ अच्छे कामों को पठन पाठन में लगाएंगे। आपको यदि कोई चोट या दर्द आदि चल रहा था तो वह फिर से उभर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको आज अपने परिजनों से किसी भी वैचारिक मतभेद में पड़ने से बचना होगा, नहीं तो उन्हें आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। माता पिता से आज अपने मन की कुछ बातों पर बातचीत कर सकती हैं। कार्य क्षेत्र में आज जो लोग अपने कामों का फायदा उठा सकती हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, आज का दिन प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए कुछ समस्याएं लेकर आ सकता है। जी हाँ, थोड़ा सा सावधान, थोड़ा सा सतर्क रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगी। आपको अपने साथी के ऊपर किसी भी बात को लेकर शक हो सकता है, जिसके कारण से दोनों के बीच अनबन बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, एक दूसरे पर डाउट और शक करने से अभी बचना होगा, नहीं तो दोस्तों आपका रिश्ता अभी खराब हो सकता है। जी हाँ, सितारे कहते हैं जितनी ज्यादा सावधान और सतर्क रहेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। जी हाँ, कार्य क्षेत्र में आप किसी बात को लेकर विरोध ना करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने का समय है। अगर आप बातों को पकड़ कर बैठे रहेंगे तो आप जहाँ पर हैं वहीं रह जाएंगे। जी हाँ, इस समय आपको सब कुछ नज़रअंदाज करना होगा और भविष्य की ओर आगे की ओर सोचना आपके लिए उत्तम रहेगा। आपकी किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकातें होगी, जिससे आपको पुराने गिले शिकवे नहीं उठाने हैं। जी हाँ, आप धार्मिक क्रियाकलापों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और आपको मानसिक शांति मिलेगी। देखिए दोस्तों, जीवन में ईश्वर भक्ति पूजा पाठ जरूर से जरूर करिए। ये आपको क्या होता है, इससे आपको जो है काफ़ी सुकून मिलेगा और जो आपके अंदर या फिर आपके घर के इर्द गिर्द में जो भी नेगेटिविटी नकारात्मक ऊर्जा इधर उधर घूमती है वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगी।
इसलिए दोस्तों ईश्वर भक्ति पूजा पाठ जरूर करना है, इतना ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला समय रहेगा और आप भाईचारे का पूरा बढ़ावा देंगे। आप अपने भाइयों से खूब जो है मजे करेंगे, लेकिन कार्यक्षेत्र में आप किसी गलत बात के लिए अधिकारियों के सामने हाँ कर सकते हैं, जी हाँ, जो कि आपको परेशान करेगी। इतना ध्यान रखिएगा, कोई भी बात में हाँ में हाँ मिलाने से पहले दोबारा जरूर सोचना है कि इसकी क्या परिणाम निकल कर आने वाली है। जी हाँ, आपका स्वास्थ्य कुछ अभी ढीला रहेगा, जिसके कारण आपका कार्य करने में मन नहीं लगेगा। जी हाँ, आपको घर परिवार में जिम्मेदारियों को समय रहते पूरा करना होगा, नहीं तो लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप किसी पुराने कर्ज को लेकर भी काफी परेशान थे, वो कर्ज अभी आपका उतर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे आज का दिन धन संबंधित मामलों में जो है काफी अच्छा समय रहने वाला है, आपको हर एक क्षेत्रों में लाभ ही लाभ लेकर आने वाला है। जी हाँ, आज का दिन धन के मामलों के लिए समय बहुत बढ़िया है, लेकिन दोस्तों भाग दौड़ की अधिकता रहेगी, जिससे आपकी जो है काफी ज्यादा थकान होगी, आपकी जो है सेहत खराब हो सकती है। इतना ध्यान रखिएगा, काम के साथ साथ खुद का भी ध्यान रखना है, सेहत का भी ध्यान रखना है। नौकरी की तलाश कर रहे लोग भाग दौड़ में लगे रहेंगे और उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर समय आपके लिए बहुत बढ़िया है, लाभ होगा अगर आप इन अवसरों को पहचान पाएंगे, तभी लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, दो जगहों से भारी धन लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन दोस्तों आज आपको लापरवाही और आलसी करने से बचना होगा, नहीं तो हाथ में आया मौका भी गंवा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से आज का दिन धन संबंधित के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके रुके हुए धन प्राप्ति से आपकी आर्थिक स्थिति को काफी मजबूती मिलेगी। जी हाँ, और साथ ही साथ आपके मान व प्रतिष्ठा में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। इसके उपरांत आज आप कर्म धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, लेकिन ध्यान रखें आज आप दूसरों की मदद बहुत ही सोच समझ कर करें, बिना मांगे किसी को भी सलाह ना दें और ना ही किसी का मदद करें, नहीं तो लोग आपको गलत समझ सकता है और आपके ऊपर कोई गलत आरोप लग सकता है। और साथ ही साथ जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए समय बहुत खास रहने वाला है, लेकिन थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि आपके शत्रु आपके विरोधी आपके ऊपर नजर गड़ाए बैठे हैं, उन्हें मौका मिलते ही वो चौका मार देंगे। इसलिए जितना हो सके सावधान रहिएगा, तो ये आपके लिए ही बेटर रहेंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए किसी नई संपत्ति प्राप्ति के लिए रहेगा। यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, तो आज आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा लाभ लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कहीं अपना धन को निवेश करना चाहती हैं, तो आज आप दिल खोल कर निवेश कर सकती हैं और आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, जिससे आपकी साख चारों ओर फैलेगी। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम समय रहते पूरा होगा। जी हाँ दोस्तों, और आप अपने किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकातें कर सकती हैं, जिसमें आपको पुराने गिले शिकवे को नहीं उठाना है, नहीं तो आपकी बात बिगड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, अपना काम निकलवाने के लिए आपको थोड़ा सा नर्म बनना होगा। जी हाँ, तभी आप अपने कामों को एक दूसरे से निकलवा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, समय बहुत बढ़िया है, अगर आज आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा के योग भी बन रहे हैं, यात्रा सावधानी पूर्वक कीजिएगा। खासकर आपको आज के दिन अपने सामानों की देखरेख करनी है, उनका ज़्यादा जो है फिक्र रखना होगा, नहीं तो आपके सामान या फिर कोई वस्तु है चोरी हो सकता है, या फिर कहीं रख कर आप भूल सकती हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए सामानों की थोड़ा सा आपको देखरेख करना होगा।
आज का दिन आपके लिए उन्नति दिलाने वाला रहेगा। आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे, जिसके कारण आपके स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन बना रहेगा। देखिए दोस्तों, आप रक्तचाप संबंधित में चल रही अनबन को बातचीत के जरिए सुलझाने में कामयाब रहेंगे और परिवार में किसी सदस्य से किए हुए वादे को आप समय रहते पूरा करेंगे। आपकी कार्यक्षेत्र में किसी से यदि वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो उसमें आपको धैर्य बनाए रखना होगा और वाणी की मधुरता को बनाए रखना होगा। जी हाँ, इससे आपको मान सम्मान दिलाएगी। इसके उपरांत आज एक दूसरे से बात करने में थोड़ा सावधानी रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन राजनीतिक के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए उन्नति दिलाने वाला रहेगा और उन्हें उनके कार्यों से जाना जाएगा और उनकी कोई महत्वाकांक्षा भी पूरी होती हुई दिखाई देगी। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और ससुराल पक्ष से किसी व्यक्ति से आप यदि कुछ धन उधार लेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप संतान के भविष्य के लिए भी कुछ धन संचय करने पर विचार कर सकती हैं, जिसमें आपको जीवन साथी से बातचीत करनी होगी। देखिए दोस्तों, आप अपने परिवार वालों के साथ कुछ समय व्यतीत करेंगे, जिससे आपको काफी मानसिक सुकून मिलेगा। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज के दिन पारिवारिक जीवन सुखमय रहने वाला है। आपको दूसरों के सहयोग से किसी काम को करना बेहतर रहेगा, लेकिन आप किसी संपत्ति संबंधित विवाद में जो है ढील ना बरतें, नहीं तो आपके लिए समस्या हो सकती है। यदि आप परिवार में किसी सदस्य से कैरियर को लेकर कोई फैसला ले रहे हैं तो उसमें बड़े सदस्यों से बातचीत करके अवश्य लें और नौकरी कर रहे जातकों को प्रमोशन मिलने से उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका कोई पुराना लेन देन आपके लिए समस्या बन सकती है, इसलिए दोस्तों उनको निपटाने की कोशिश करें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों कुल मिलाकर समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, जितना हो सके इन शुभ समय का सदुपयोग करें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।